नमस्ते बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। मतलब हमको यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमने इसका जो प्रोसेस था वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ था, तो अब हम इसका यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमने देखा था, जब भी हमको किसी दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, जो 225 है वो ग्रेटर है आपका 135 से। इसलिए अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा उसको हम ए एज्यूम करेंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 225 और बी क्या हो जाएगा आपका 135, मतलब ये डिवाइजर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा में हमने क्या देखा था, क्या था हमारा यूक्लिड डिवीजन लीमा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो उसी फॉर्म में हमको इसको लिखना है ना। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या है हमारा। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा था हमारा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लीमा था। अब इसी का हमको यूज करना है। तो बच्चों, हम ए की जगह कितना पुट कर देंगे, 225 इज इक्वल टू, बी की जगह कितना रखोगे आप, तो बी की जगह रख दोगे आप 135। अब हमको क्यू और आर फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब मैं यहाँ 225 को डिवाइड करता हूँ 135 से, ठीक है। तो जब हम इस 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा ये, तो 135 वन टाइम्स होगा, तो हमको मिलेगा 135। तो 5 में से 5 माइनस फॉर 0, 12 माइनस 3 हो जाएगा आपका 9, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा आपका 90, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको किस तरीके से लिख देंगे, 225 इज इक्वल टू 135 और क्यू कितना मिल गया अपने को, क्यू मिल गया यहाँ पे 1, तो 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया आपका, रिमाइंडर आया है 90, ओके। तो ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 1। अब क्या करेंगे हम सेकंड स्टेप में, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने ए इज इक्वल टू 225 लिया था, बी 135 लिया था। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमने देखा था कि जो ए है वो कैसे रिप्लेस हो जाएगा, जो बी था वो अब ए की जगह ले लेगा। मतलब अब हम ए किसको मानेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ए मानेंगे 135 को, और बी क्या हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर था हमारा वो अब बी हो जाएगा, मतलब बी इज इक्वल टू अब हो जाएगा आपका 90। अब इसमें वापस से हम यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ए की जगह तो आप रख दोगे 135 इज इक्वल टू, बी की जगह क्या था आपका 90। अब क्यू और आर फाइंड कर लेते हैं हम, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 135 डिवाइडेड बाय 90, तो कितने टाइम्स होगा, तो 91 90 और रिमाइंडर बच जाएगा आपका 45। तो यहाँ पे आप लिख देंगे उसको 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय, क्वेश्चन कितना मिला हमको 1 प्लस रिमाइंडर कितना मिला आपको 45, तो यहाँ आपने इसको 45 लिख दिया। तो ये हो गई थी हमारी स्टेप नंबर 1, ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 2। अब थर्ड स्टेप में देखिए, अब हमको कहाँ तक ये रिपीट करना है, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। तो अब अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, इसलिए हम क्या करेंगे, वापस से ए एज्यूम करेंगे। तब ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी कितना था 90, तो वो अब अपने लिए ए इज इक्वल टू हो जाएगा इस स्टेप में 90, और बी क्या होगा, तो जो पहले आर था, तो आर यहाँ कितना मिला अपने को 45, तो वो अपने लिए अब क्या हो जाएगा बी। अब वापस से यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा आपका, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए की जगह हमने 90 रख दिया, बी की जगह हम 45 रख देते हैं।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 90 डिवाइडेड बाय 45, तो 45 टू ज़ार 90 मिलेगा, रिमाइंडर आपको मिल जाएगा जीरो। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू क्वेश्चन कितना मिला आपको 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया आपका जीरो। तो अब देखिए, अब हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, इसलिए अब हमको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया तो एस सी एफ हमको अब यहाँ पे मिल जाएगा। तो एस सी एफ ऑफ क्या, दो नंबर का एस सी एफ फाइंड कर रहे थे हम, तो हम फाइंड कर रहे थे 225 और 135 का। तो एस सी एफ ऑफ 225 एंड 135, अब क्या मिलेगा आपको एस सी एफ? तो देखिए, हमने बोला था कि जो हमारा रिमाइंडर होता है, जिस स्टेप में रिमाइंडर आता है उसका जो डिवाइज़र होता है वो आपका क्या मिलेगा, वो एस सी एफ होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एस सी एफ। तो आपका एस सी एफ होगा 225 और 135 का 45। या एक और चीज़ मैंने बोला था आपको कि जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आता है उसके पहले वाली स्टेप में जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका एस सी एफ होगा। तो देखो दोनों सेम चीज़ ही है, इसलिए आप किसी तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। वैसे बी को आप लोगे तो ये बहुत सही तरीका रहेगा कि जिस स्टेप में जीरो आएगा उसी का जो डिवाइज़र है या जो बी है वो आपका हो जाएगा एस सी एफ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 196 एंड 38,220। इन नंबर का हमको एस सी एफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो 38220 ये ग्रेटर है हमारा 196 से। इसलिए हम क्या एज्यूम करेंगे, अब हम मानेंगे कि जो ए है हमारा वो हो जाएगा 38220 और बी हो जाएगा आपका 196। ओके, अब हमको क्या करना है, अब इसमें यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई करते हैं। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या था हमारा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। तो अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, तो ए की जगह अब हमने रख दिया है 38220 इज इक्वल टू, बी की जगह क्या आ जाएगा आपका 196। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, तो हमने इसको यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, तो अब क्या लिखेंगे हम, हमारा ए इज इक्वल टू 38220 इज इक्वल टू, बी की जगह हमने 196 लिख दिया। अब क्यू कितना मिला हमको, कोशेंट मिला है 195, तो क्यू की जगह हम लिख देंगे 195 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका, देखिए रिमाइंडर कितना मिला हमको जीरो, तो हम आर की जगह लिख देंगे जीरो। तो बच्चों अब देखिए रिमाइंडर कितना आ गया अपना जीरो। तो हमने देखा था कि हमको यूक्लिड डिवीजन लीमा कब तक अप्लाई करना है, जब तक कि रिमाइंडर जीरो नहीं आता। तो इसी स्टेप में हमको पहली स्टेप में रिमाइंडर जीरो मिल गया, तो अपना एस सी एफ क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ से एस सी एफ फाइंड कर सकते हैं। तो एस सी एफ ऑफ 38220 एंड 196, तो इसका एस सी एफ हो जाएगा हमारा जो जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आया वहाँ पर जो हमारी बी की वैल्यू थी, तो बी कितना था यहाँ पे हमारा 196, तो एस सी एफ कितना आ जाएगा आपका 196। तो एस सी एफ इन दोनों नंबर्स का मिल गया हमको 196। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हमको एस सी एफ फाइंड करना है 867 एंड 255 का। सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे हमारा ग्रेटर नंबर क्या है, तो हमको पता है 867 जो है हमारा ग्रेटर है 255 से। तो अब हमारे पास ए कितना आ जाएगा, तो ए हम ले लेंगे 867 को ए मानेंगे और बी आपका हो जाएगा 255। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। अब यूक्लिड डिवीजन लीमा से क्या होगा आपका, तो ए की जगह आप रख देंगे 867, यूक्लिड डिवीजन लीमा था हमारा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए की जगह आपने लिख दिया 867, बी की जगह आ जाएगा आपका 255। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमने इसको डिवाइड किया तो ये मिला आपको 255 को जब हम डिवाइड करते हैं 867 को जब हम डिवाइड करेंगे 255 से, तो हमको मिलेगा क्वेश्चन 3 और रिमाइंडर मिल रहा है 102। तो
इसको हम यूक्लिड डिवीजन लीमा के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए की जगह तो आपने लिख दिया 867, बी की जगह आपके 255 इनटू कोशेंट क्यू कितना है आपके पास में 3 प्लस रिमाइंडर कितना है आपके पास में 102। अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। हमको पता है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक इसको हमको सोल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके लिए ए कितना हो जाएगा, तो देखिए जो पहले वाली स्टेप में हमारे पास में बी था, तो बी कितना था 255, तो वो आपका आ जाएगा ए की जगह पर। और बी की जगह क्या लिख देंगे आप, जो हमारे पास में रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर कितना है 102, तो वो आपका हो गया बी। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे डिवाइड किया इसको 255 को 102 से। तो देखिए हमको क्वेश्चन मिला यहाँ पे 2 और रिमाइंडर मिला 51, तो 255 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 102 इनटू क्वेश्चन कितना है आपके पास में मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर कितना है आपके पास, रिमाइंडर है 51, तो रिमाइंडर की जगह हम लिख देंगे 51। अब देखिए यहाँ पे भी हमको रिमाइंडर जीरो नहीं मिला, तो हमको वापस से नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका ए हो जाएगा जो यहाँ पे बी था, तो बी कितना है यहाँ पे 102 था, तो अब आप उसको ए ले लेंगे। तो ए की जगह आप रख दोगे 102 इज इक्वल टू बी, बी कितना हो जाएगा जो आपके पास रिमाइंडर था, तो रिमाइंडर कितना था 51। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 51 2 100 2 होता है, तो 51 into 2 कर देंगे तो 102 मिलेगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 0। तो आप देखिए इस स्टेप में हमको रिमाइंडर 0 मिल गया है। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है वहाँ पे जो हमारा बी की वैल्यू होती है वो क्या होता है, एससीएफ। तब हम बोल सकते हैं कि जो दो नंबर का एससीएफ हमको फाइंड करना था, एससीएफ ऑफ 867 एंड 255, इनका एससीएफ क्या मिल जाएगा आपको, तो इसका एससीएफ हो जाएगा आपका 51 जो आपका यहाँ पे बी था, तो ये हो गया आपका एससीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब हमको यहाँ पे ये शो करना है कि कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि लेट हमारे पास कोई एक ए है जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो हमने एज्यूम किया कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो हमने ए को एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर सपोज कर लिया। अब यहाँ पे देखिए यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई करने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, ए और बी। तो ए तो हमने एज्यूम कर लिया कि ए हमारे पास कोई नंबर होगा, तो बी हमारे पास क्या क्या लेना पड़ेगा, बी क्या लेंगे हम। तो आप देखिए हमको किस फॉर्म में उसको शो करना है, तो हमको शो करना है 6q+1 6q+3 6q+5 के फॉर्म में। मतलब कि यहाँ बी कितना ले बी कितना दिखाई दे रहा है आपको, 6 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तभी इस फॉर्म में आया है। तो इसका मतलब आप बी कितना ले लोगे 6, तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। अब हम यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा आपका बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो इसमें जब हम यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या था अपना, इसी फॉर्म में था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए की जगह तो क्या है, हमने ए ही एज्यूम करा है, ये हमने ए लिया है, ए हमारे पास क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो यहाँ पे ए की जगह तो आप ए ही पुट कर दोगे, तो ये ए लिख दिया। बी कितना एज्यूम किया हमने, तो बी हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से बी कितना हो गया आपका 6 हो गया, तो यहाँ हमने बी को 6 मान लिया। अब क्यू हमारे पास पता नहीं है तो क्यू को आप क्यू ही लिखा रहने दें, और आर भी हमारे पास अभी पता नहीं है तो आर की जगह भी आप आर ही लिखा रहने दें। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज है आर की वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन बी। अब बी हमारे पास ऑलरेडी पता है बी कितना है 6 है, तो जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी,
जीरो से लेके, तो लेस देन सिक्स होगी, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आर की वैल्यू होगी वो या तो जीरो हो सकती है, या तो वन हो सकती है, या तो टू हो सकती है, या तो थ्री हो सकती है, या फोर हो सकती है, या फाइव हो सकती है। ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि आर की वैल्यू काई के बीच में लाई करेगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और लेस देन सिक्स मतलब सिक्स के पहले तक कितने नंबर हैं हमारे, तो ये सारे नंबर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, हर एक केस के लिए कंसिडर करेंगे, मतलब जब आर जीरो होगा तो हमारे यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होगा, वन होगा तब क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेन आर इज इक्वल टू जीरो, जब आर इज इक्वल टू जीरो होगा तो देखिए ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमको आर की वैल्यू पुट करते जाना है। तो जब आर इज इक्वल टू जीरो है तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये इक्वेशन हो जाएगी ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस आर की जगह आपने रख दिया जीरो, ठीक है। या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू, क्योंकि जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए सिक्स इंटू एनी नंबर, तो सिक्स अपने पास में क्या है, एक इवन नंबर है, सिक्स हमारे पास में क्या है, इवन नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ए की वैल्यू मिलेगी वो एक इवन ही नंबर होगा, क्योंकि इवन नंबर में आप किसी भी क्यू की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, वन हो, टू हो, थ्री हो, कुछ भी हो, आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक इवन नंबर ही मिलना है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए इज इवन। तो यहाँ से हमको पता चला कि ए क्या है आपके पास में, ए इवन है, ठीक है। फिर सेकंड पुट करके देखते हैं हम कि व्हेन आर इज इक्वल टू वन, जब आर इज इक्वल टू वन होगा तो देखिए इस इक्वेशन में पुट करते हैं, आर की जगह आपको वन रख देना है, तो ए तो एज इट इज आपने रखा इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस आर की जगह आपने लिख दिया यहाँ पे वन। अब आर की वैल्यू आपकी वन आ गई है, ठीक है। अब देखिए सिक्स इंटू एनी नंबर, मतलब ये सिक्स क्या है आपका, इवन नंबर है, तो इवन नंबर इंटू एनी नंबर इज इवन, तो ये पूरा जो रिजल्टेंट मिलेगा वो तो इवन नंबर मिलेगा, और उस इवन नंबर में अगर हम वन ऐड कर दें, तो किसी भी इवन नंबर में वन ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर आपको, ऑड नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब जो ये ए की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल रही है वो क्या मिल रही है, ऑड मिल रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा, ए इज ऑड। तो ए आपको यहाँ कितना मिल गया, ऑड मिला है, ठीक है। अब हम पुट करते हैं व्हेन आर इज इक्वल टू टू, जब आर की वैल्यू हमारी टू होगी उस केस में क्या होगा। तो आप इस इक्वेशन में वापस से आर की जगह टू पुट करिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस आर की जगह आप कितना रख देंगे, टू। तो अब देखिए ये तो पूरा इवन नंबर है, सिक्स इवन नंबर था, तो सिक्स इंटू एनीथिंग इज इवन, तो इवन प्लस टू, किसी भी इवन नंबर में आप टू ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा ए, जो रिजल्टेंट ए मिलेगा वो क्या होगा, इवन प्लस इवन, तो मतलब इवन नंबर हो आपका, तो ए इज इवन। ये हमको क्या मिल गया, यहाँ पे इवन नंबर मिल गया, ठीक है। अब वापस से हम यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ तक पुट करते जाना हमको, फाइव तक। तो वेन आर इज इक्वल टू, अब टू हमने पुट किया था, अब पुट करेंगे हम थ्री, तो क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस थ्री। अब देखिए सिक्स क्यू क्या है, ये तो आपका एक इवन नंबर है, और थ्री क्या है, एक ऑड नंबर है, तो इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ऑड नंबर। तो जो ए की वैल्यू मिलेगी आपको, रिजल्टेंट वैल्यू, वो क्या मिलेगी, ऑड। इसलिए हम बोलेंगे कि ए इज ऑड। अब हम पुट करते हैं आर इज इक्वल टू फोर, तो वेन आर इज इक्वल टू फोर, जब आर फोर होगा तो इक्वेशन क्या होगी आपकी, इक्वेशन ये होगी ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस आर की जगह आप रख दोगे फोर। अब देखिए सिक्स क्यू तो हमारा इवन नंबर है और फोर भी इवन नंबर है, तो जब इवन नंबर प्लस इवन नंबर करेंगे तो क्या मिलेगा आंसर, इवन। तो आपका हो जाएगा ए इज इक्वल टू, या हम बोलेंगे ए इज इवन, ए आपको क्या मिल गया, इवन नंबर मिल गया यहाँ पे। अब व्हेन आर इज इक्वल टू फाइव, तो व्हेन आर इज इक्वल टू फाइव, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन हो जाएगी आपकी ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू प्लस आर की जगह आप लिख देंगे फाइव।
तो अब देखिए, 6q तो हमारा इवन नंबर है, और इवन प्लस ओड क्या मिलेगा आपको? ओड नंबर मिलेगा। इसका मतलब जो आपका ए है वो क्या होगा? आपका ओड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए इज ओड, ए आपका ओड मिला। अब देखिए, हमको जो वैल्यू पुट करनी थी वो कहाँ से कहाँ तक करनी थी? आर की वैल्यू 0 से लेके 5 तक। तो हमने सारी वैल्यूज पुट की। अब हमको इसमें क्वेश्चन में ये शो करना था कि शो देट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आपको क्या शो करना था? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ओके, तो ऑड इंटीजर कौन कौन से हैं ये हमको यहाँ पे बताना था। तो आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कौन कौन सा ऑड मिला। तो देखिए, आर इज इक्वल टू 0 रखने पे तो इवन मिला, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। हमको शो करना था ए इज इक्वल टू ऑड। तो ये ऑड हमको मिला, कब मिल रहा है? जब आर इज इक्वल टू 1 है। मतलब कि ये देखिए 6q+1 के फॉर्म में मिल रहा है आपको। दूसरा ये इवन है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। ये ए इज इक्वल टू ऑड कब मिल रहा है? 6q+3 पे। ओके, और फिर ऑड कहाँ मिल रहा है हमको? इस पे तो इवन मिल रहा है, तो ये भी हमको नहीं लिखना है। हमको क्या लेना है? ये ऑड। तो आपका आंसर हो जाएगा, हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में मिल रहे हैं हमको? तो इज ऑफ द फॉर्म, जो जो भी फॉर्म आपको मिले हैं वो फॉर्म आपको एज इट इज लिख देना। जैसे फर्स्ट फॉर्म ये क्या मिला आपको? 6q+1। तो आपका किस फॉर्म में मिला है? एक तो हमको मिला है 6q+1, फिर दूसरा फॉर्म क्या मिला था आपको? 6q+3। ये तो 6q+3, और क्या फॉर्म में मिला हमको? तो 6q+5। इन तीनों फॉर्म में हमको जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिल रहा है। सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम वे ऑफ सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि हमारे पास टोटल एक आर्मी कॉन्टिजेंट्स हैं जिसमें 616 मेंबर्स हैं, 616 मेंबर्स उसमें हैं, और एक आर्मी बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स हैं। तो हमको जो है इन दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में परेड करना है। ओके, देखिए किस तरीके से। सपोज ये मैं रेड इंक से जो बना रहा हूँ, ये है हमारे पास में बैंड, है ना। तो ये बैंड के जो हैं लोग कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में, सपोज अभी मैं समझाने के लिए 3 कॉलम बना देता हूँ। तो ये जो कॉलम्स हैं इनमें टोटल मेंबर्स कितने होंगे? 32 मेंबर्स होंगे, क्योंकि हमारे पास बैंड में कितने मेंबर्स हैं? 32। अभी क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इन 32 मेंबर्स जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स में होंगे उनके ही पीछे जितने इनकी कॉलम होगी, अगर ये 3 कॉलम में है तो जो हमारे 616 मेंबर्स हैं कॉन्टिजेंट्स के, वो भी इन्हीं के पीछे होंगे। मतलब कि परेड में वो इन्हीं के पीछे बराबर कॉलम में होंगे। और इनके मेंबर्स कितने होंगे? तो ये होंगे 616। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये कितने नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसे अरेंज करें कि दोनों के जो कॉलम्स हो वो सेम हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि ये अगर 5 कॉलम है तो ये 4 कॉलम में ही परेड कर रहे हैं। जितने बैंड के कॉलम होंगे उतने ही कॉलम इनके होना चाहिए। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन परेड। तो देखिए आप बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर आता है, आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वहां पर हम क्या फाइंड करेंगे? एससीएफ। तो जब भी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स या मैक्सिमम नंबर कोई भी चीज फाइंड करने के लिए आएगी, तो वहां पे आपको एससीएफ फाइंड करना है, और जहां मिनिमम फाइंड करने को आएगा वहां पे एलसीएम फाइंड करना है। इस पूरे चैप्टर में आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो चाहे कोई सी भी वर्ड प्रॉब्लम होगी, आप उसको इजीली आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों सॉल्व करना है, वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए हमको थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो देखिए हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, तो टू फाइंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम, हमको यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करना है। तो वी नीड टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, SCF। तो वी नीड टू फाइंड द SCF, काय काय का SCF फाइंड करना है, तो हमको SCF फाइंड करना पड़ेगा दो नंबर्स का। तो हमको फाइंड करेंगे हम SCF ऑफ टू नंबर्स, कौन कौन से नंबर, 616 और 32। तो चलिए अब हम इसका SCF फाइंड करेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले तो आप देखिए ग्रेटर नंबर क्या है हमारे पास में, तो 616 जो है हमारा वो ग्रेटर है 32 से, तो मतलब हमारे पास A कितना हो गया, तो आप A इज इक्वल टू ले लेंगे 616 और B इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 32। तो अब हम अप्लाई करते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, यूक्लिड डिवीजन लीमा हम अप्लाई करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या था आपका, यही था A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड लेस देन बी। तो अब A की जगह हम रख देंगे 616, B की जगह कितना है आपका 32। अब हम 616 को 32 से डिवाइड कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमने यहाँ पे डिवाइड किया 616 को 32 से, तो हमको क्वेश्चन मिलता है 19 और रिमाइंडर आता है हमारा 8। तो अब हम इसको यूक्लिड डिवीजन लीमा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो A की जगह तो हमने लिख दिया 616, B की जगह हो जाएगा आपका 32 इंटू, क्वेश्चन कितना है आपके पास में, तो क्वेश्चन मिला है 19, तो क्वेश्चन की जगह आप लिख दोगे 19 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका, तो रिमाइंडर मिला हमको 8, तो रिमाइंडर की जगह आ जाएगा आपका 8। अब देखिए यहाँ पे अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसलिए हमको ये स्टेप वापस से रिपीट करनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में जो B है आपका वो A हो जाएगा, मतलब A की जगह तो आप लिख दोगे 32 और जो रिमाइंडर था 8 वो अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में वो हो जाएगा हमारा B। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो देखिए 8 फोर द 32, तो 8 फोर द 32 मतलब रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0 आ जाएगा। तो अब इस स्टेप में हमको रिमाइंडर 0 मिल गया, तो अब हम SCF लिख सकते हैं, तो SCF हो गया हमारा कितना 8, है ना, क्योंकि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है वहाँ पे जो B की वैल्यू होती है, जो डिवाइजर होता है वो आपका क्या होता है, SCF। तो SCF आ गया आपका 616 और 32 का SCF हमको मिल रहा है 8। तो अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसलिए आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना है। स्टेटमेंट क्या लिख देंगे आप, तो आप लिख दीजिए हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द टू ग्रुप The two groups can march is 8। Question number fourth. Fourth question हमारा use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। मतलब कि question में दिया है कि हमको show करना है कि कोई एक positive integer है वो किस फॉर्म में होगा आपका, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, है ना। अगर हम उस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते हैं, तो वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसमें अब क्या बोला था हमसे कि हमको कोई एक पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे शो करना है कि जो कि इस फॉर्म में होगा आपका 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि एक a है जो हमारे पास में क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप लिख देंगे कि लेट
तो हम लिखते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने मान लिया क्या कि एक ए है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए ए तो हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है, अब ये ए किस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास में देखिए शो क्या करना था हमको, 3m प्लस 1 के फॉर्म में इसको शो करना है। तो बी कितना मान लेंगे हम मान लेते हैं कि लेट बी इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 3 होगा, ठीक है। तो अगर बी हमारा 3 है तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन लीमा के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लीमा का फॉर्म क्या था हमारा, यही था, हम फॉर्म लिख देते हैं ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। तो अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखेंगे तो ए की जगह तो आप देखो हमने ए ही माना है, एक ए पॉजिटिव इंटीजर माना है, और बी की जगह कितना हो गया आपका 3, तो बी की जगह आप लिख दोगे 3। क्यों हमको मालूम नहीं है, तो क्यू की जगह क्यू लिखा रहने दीजिए और आर भी आप एज इट इज लिखिए। अब देखिए जो आर की वैल्यू है वो क्या होगी, तो आर होगा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, तो बी कितना है 3, तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो आर देखिए हमारा या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे आर की वैल्यू मिली है 0, 1, 2। तो अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में आपको आर पुट करते जाना है। तो सबसे पहले हम पुट करते हैं कि वेन आर इज इक्वल टू 0, जब आर हमारे पास में 0 होगा तो इक्वेशन क्या होगी आपकी, तो इक्वेशन बनेगी ए इज इक्वल टू 3q प्लस 0, या हम उसको बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 3q। अब देखिए बच्चों यहाँ क्वेश्चन में दिया था हमको कि वी हैव टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमको उसके स्क्वायर को शो करना है। तो अब आप क्या करेंगे, हमारे पास ए इज इक्वल टू 3q आया तो इसका स्क्वायर करते हैं, ओके। तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने, इधर भी स्क्वायर करेंगे और इस साइड भी स्क्वायर करेंगे, तो इधर स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर और इधर करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9q स्क्वायर, ओके। अब देखिए बच्चों हमको इसको शो क्या करना है, हमको इसको शो तो करना है किस फॉर्म में करना है, 3m के फॉर्म में करना है, ओके। मतलब कि यहाँ पे हमको 3 लेके आना है 9 की जगह, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को लिखा जा सकता है 3 × 3 और क्यू स्क्वायर आप एज इट इज लिख दीजिए पीछे जो है। अब देखिए आपको बोला गया है कि इसको 3m के फॉर्म में आपको शो करना है, तो हम देखो ये जो पूरी टर्म है ये, इसको हम m सपोज कर लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं इसको m मान लेते हैं, है ना, कि लेट जो हमारा 3q स्क्वायर है, या आप उसको लेट की जगह कर दीजिए पुट, हम 3q स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देते हैं m, क्योंकि हमको इस फॉर्म में शो करने के लिए बोला गया है। तो आप उसको लिख देंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो ये एज इट इज, और ये इस 3q स्क्वायर की जगह आप पुट कर देंगे m। तो देखिए आपका ए स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, 3m के फॉर्म में आ गया, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट हम शो करते हैं वेन आर इज इक्वल टू, जब हमारे पास में r की वैल्यू हम कितना लेंगे, वेन r इज इक्वल टू 1, तो जब आपका r इज इक्वल टू 1 होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इक्वेशन ये होगी a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब अगेन हमको क्या करना है, क्योंकि स्क्वायर फाइंड करना है इसलिए हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और अब इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहां पे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, सबको a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है, फिर भी मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी हमको यहां पे पुट करना है। तो a की जगह आप 3q रखेंगे और b की जगह 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a की जगह आपका कितना है 3q प्लस b की जगह कितना है आपका 1, तो 1 स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6q
+1। अब देखिए बच्चों, हमको क्या बोला गया था, हमको शो करने के लिए बोला गया था या तो 3m के फॉर्म में शो करो या 3m प्लस 1 के फॉर्म में शो करो। तो अब देखिए इनमें से हम 3 कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्लस 1 तो सेपरेट हो गया, यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों में से 3 कॉमन निकल सकता है। तो हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैंने 3 कॉमन निकाला, तो अंदर कितना बच जाएगा, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा आपका 3q², और यहाँ से आप 3 कॉमन निकालेंगे तो आपका अंदर बचेगा 2q, और ये प्लस 1 आपने एज इट इज लिखा रहने दिया। अब आप देखो इस पूरे को हम m पुट कर दें, इस पूरे को हम क्या करते हैं m पुट कर देते हैं। तो पुट 3q² प्लस 2q इज इक्वल टू m, तो आपका ए स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, यहाँ पे हम m पुट कर देते हैं तो 3m प्लस 1, यही हमको शो करना था। अब नेक्स्ट हम करते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 2, जब r हमारे पास में कितना होगा 2 होगा। ओके तो इक्वेशन क्या होगी आपकी, a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह आ जाएगा आपका 2। अगेन हमको स्क्वायरिंग करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, इधर वापस से आप 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ये हो गया आपका 2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9q² प्लस 12q एंड प्लस 4। अब देखिए यहां से हमको क्या करना है, देखिए किस फॉर्म में शो करना था हमको, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है। तो आप देखिए क्या सब में से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहां से भी 3 कॉमन निकल सकता है, यहां से भी 3 कॉमन निकल सकता है। अब यहां से 3 कॉमन नहीं निकल सकता, तो इसके लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9q² प्लस 12q प्लस। अब देखिए इस 4 को हम एज इट इज तो छोड़ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमको ऐसा कोई फॉर्म ही नहीं है जिसमें कि 4 फाइंड करना, हमको तो या तो 3m के फॉर्म में शो करना है या 3m प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है। तो इसलिए इस 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 प्लस 1, इस फॉर्म को 4 को हम 3 प्लस 1 लिख दें। तो देखिए अब इन सब में से हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए यहां से भी 3, इस पूरी टर्म में से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 3 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा आपका 3q² प्लस 4q प्लस 1, और ये लास्ट में जो आपका प्लस 1 है वो आपको एज इट इज लिख देना है। अब देखिए इस पूरे को आप क्या पुट कर देंगे m, तो 3 इस पूरे की जगह आप क्या पुट कर देंगे m, तो ये मिल जाएगा आपको 3m प्लस 1। तो देखिए ये ए स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया आपका, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा साइड में पुट 3q² प्लस 12q प्लस 3 इज इक्वल टू m। अब आप यहाँ पे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 5th, तो 5th क्वेश्चन है हमारे पास, यूज यूक्लिड्स डिविजन लीमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो हमको क्या करना है, किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर को शो करना है कि अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो वो 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही जो अभी तक सारे क्वेश्चंस में सपोज करते हुए आए हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि ए हमारे पास में कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो आप लिख देंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर,
ए क्या हो गया हमारे पास, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और बी इज इक्वल टू कितना रखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्यूब फाइंड करना है, ओके। और क्या शो करना है, किस फॉर्म में शो करना है, तो हमको शो करना है 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में शो करना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ b की वैल्यू 9 लेता हूँ तो हमारा कैलकुलेशन बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि अगर b हमारा 9 आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको रिमाइंडर जो होगा वो 8 तक आएगा, तो हमको r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 रखना पड़ेगा, तो हमको बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन इसके लिए करना पड़ेगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, ताकि वो सॉल्यूशन हमारा जल्दी हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं b की वैल्यू 3 ले लेते हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी इसका क्यूब करना है। पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको क्यूब फाइंड करना है, यानी पॉजिटिव इंटीजर का, उसको शो करना है इस फॉर्म में। तो अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो ऑलरेडी हमको 9 उसका मल्टीपल में मिल जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं b की वैल्यू 3 रखते हैं, ओके। तो b इज इक्वल टू हमने कितना रखा, 3। तो अब हम अप्लाई करते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, अब हम इसमें यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे। क्या था अपना यूक्लिड डिवीजन लीमा, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास a तो एज इट इज है जो था, b की जगह कितना पुट कर देंगे हम, 3, तो b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, और q आपका एज इट इज रहेगा, r भी आप एज इट इज रखोगे अभी तक जो करते आए हम, ठीक है ना। और r की वैल्यू क्या होगी, तो r इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b, तो b कितना अपने पास में, 3। इसका मतलब r कितना मिल गया आपको, r या तो 0 होगा या तो 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, इस इक्वेशन में r की वैल्यू पुट करते जाना है। तो हम सबसे पहले सपोज व्हेन r इज इक्वल टू 0, जब हमारे पास में r 0 होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह आप रख दोगे 0, मतलब a कितना मिल गया अपने को, 3q। अब क्वेश्चन में बोला गया था हमको शो करना है इसके क्यूब को, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो हम इधर भी क्यूब कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब और ये हो जाएगा आपका 3q का क्यूब, ओके। तो अब देखिए 3q कितना होगा, 3q, तो 3q होगा आपका 27 इंटू क्यू क्यूब, ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, देखो शो क्या करना था, हमको जब भी ये क्वेश्चन सोल्व करना है आपको दिमाग में ये रखना है कि हमको किस फॉर्म में इसको शो करना है। तो 9m के फॉर्म में शो करना है, इसका मतलब कि जो आपका 27 क्यू क्यूब आया इसको 9 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, हमको मालूम है 9 3 27 होता है, तो 9 3 क्यू क्यूब लिख दें, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। और अब देखिए हम जो पैसे पहले वाले जो क्वेश्चन में किया था हमने वही यहाँ पे करना है, मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू इस पूरे को क्या पुट कर देंगे हम, एम पुट कर देंगे, है ना। आप चाहे तो यहाँ साइड में लिख दीजिए कि पुट 3q³ इज इक्वल टू एम, ये हमने पुट कर दिया। तो आप देखिए ए क्यूब किस फॉर्म में आ गया, 9m के फॉर्म में आ गया। अब पुट कर देते हैं हम व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब हमारे पास r कितना था 1, तो व्हेन r इज इक्वल टू 1, जब r की वैल्यू 1 रहेगी तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, a इज इक्वल टू b की जगह कितना था आपका 3q, तो 3q प्लस 1। अब क्या करना पड़ेगा हमको, क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, तो दोनों साइड क्यूब करते हैं, तो a क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे हमको आइडेंटिटी लगानी है a प्लस b का होल क्यूब की, तो आइडेंटिटी में यहाँ लिख देता हूँ आपको, a प्लस b का होल क्यूब कितना होता है, तो ये होता है आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो हम आइडेंटिटी पुट करते हैं यहाँ पे, अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3q का होल क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab³, मतलब 1 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 1 क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो
तो इक्वेशन मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दिया 27 क्यू क्यूब प्लस 27 स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1। अब देखिए हमको शो किस फॉर्म में करना है, हमको शो करना है इसको 3q सॉरी 9m के फॉर्म में शो करना है, 9m या 9m प्लस 1 के फॉर्म में। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 9 कॉमन निकालना है। तो आप देखिए इन तीनों में से 9 कॉमन निकल सकता है, ओके। तो हम यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका, 3q क्यूब प्लस यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 कॉमन चला जाएगा बचेगा क्यू प्लस 1। अब क्या करना है आपको, इस पूरे को m पुट कर देना है। 9 इस पूरे की जगह आपने m रख दिया तो 9m प्लस 1, तो ये a क्यूब आपका आ गया 9m प्लस 1 के फॉर्म में। आप यहाँ साइड में लिख दीजिएगा पुट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू m, इसको हमने m पुट कर दिया, ओके। अब हम पुट करते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 2, जब हमारे पास r कितना होगा 2 होगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, हमारी किस फॉर्म में थी, यही था a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब क्या करना है आपको, इसका क्यूबिंग करना है दोनों साइड, तो क्यूब करेंगे a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पे इसको आइडेंटिटी लगा के सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखिए हमने इसको इस फॉर्म में पूरा आइडेंटिटी लगाया, अभी मैंने इसको पूरा सिंप्लीफाई इसलिए भी नहीं किया क्योंकि हमको देखो शो किस फॉर्म में करना था, 9 के फॉर्म में शो करना था, ठीक है। तो हम क्या करें, इसमें से सब में से 9 कॉमन निकाल लें। अब देखो 9 कॉमन निकालने के लिए आप इसमें से 9 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 9 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 9 कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन इस 8 में से हम 9 कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप इन सब में से 9 कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए 27 क्यू क्यूब में से 9 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा आपका 3q क्यूब, फिर यहाँ से आप 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2 से आप 9 कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 3 और साथ में ये 2 है, तो 3 2 6 हो जाएगा, तो 6q स्क्वायर प्लस यहाँ से 9 कॉमन चला गया बचेगा कितना 4q, ये 4 भी है ना पीछे मल्टीप्लाई में, तो 4q प्लस 8। अब देखिए हमको क्या करना है, इस पूरे को m पुट कर देना है। तो आपने क्या करा है यहाँ पे, 9 इस पूरी की जगह आप क्या रख दोगे, m प्लस 8, तो a क्यूब कितना आ गया आपका 9m प्लस 8 आ गया। आप यहाँ लिख देना कि हमने क्या पुट करा था, पुट 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m, है ना, ये ब्रैकेट में आप यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इसका लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो स्टेटमेंट में क्या लिखोगे आप लिख देंगे यहाँ पे कि हैंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म, किस किस फॉर्म में मिला हमको, तो 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में मिला, इन तीनों फॉर्म में हमको ये इंटीजर मिल गया। थैंक यू।